जिंदा हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, हम खड़े हैं दिल्ली के बहुत ही फेमस होटल ले मेरिडियन में। वाह क्या टेस्ट है, हमारे नए कुकरी शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली के बहुत ही मशहूर फाइव स्टार होटल ली मेरिडियन, उनकी क्विजीन से रूबरू कराने, जो कि बनती है फुल ऑन परफेक्शंस के साथ। वाव वाव वाव, इट सीम्स सो डिलिशियस, सो माउथ वाटरिंग, टोटली यम्मी। लेट्स लीव दिस नाउ, क्यों ना जाके हम डायरेक्टली यहाँ के कैप्टन से बात करें। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। हेलो शेफ, हाउ आर यू? Hi, fine, thank you. I was so excited to meet you and finally I'm getting a chance to meet you. Pleasure is mine. ये है दोस्तों हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत ही टैलेंटेड मास्टर शेफ देवेंद्र कुमार, जिन्हें सभी डीके के नाम से जानते हैं। तो डीके सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इस होटल की सुपर स्पेशलिटी ऑफ फूड क्विजीन क्या है? देखो, एट द मेरिडियन न्यू दिल्ली हम वैरायटी ऑफ क्विजीन सर्व करते हैं, जो कि तीन कॉन्सेप्ट में बेस्ड है। एक की इनोवेटिव रेसिपीज, नंबर टू लोकल एंड फ्रेश प्रोड्यूस, एंड ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड। At La Belvedere, we are serving authentic Sichuan and Cantonese cuisine. Mm-hmm. Then we have the Monsoon restaurant where we serve modern Indian cuisine with avant-garde. And we have a signature restaurant called The One. At The One, we serve Indian and global cuisine. So all put together, we have excellent selection of dishes presented with master touch. इतना delicious, इतना लजीज खाना कैसे फाइव स्टार होटल्स में बन सकता है, या हम घर पे भी बना सकते हैं? जी हाँ, घर में भी बन सकता है, जिसके लिए दो या तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक पैशन, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड, बिट ऑफ नॉलेज एंड विलिंगनेस टू कुक गुड फूड फ्रॉम हार्ट। दैट इज सो ट्रू, पैशन तो बहुत ज़रूरी है और नॉलेज के बिना तो कोई भी काम खराब हो सकता है, और बात अगर फूड की हो तो कोई रिस्क नहीं। और इसके लिए मेरे और भी शेफ्स हैं। ओह हेलो, हाउ आर यू? तो क्यों ना सीधा चले उनके पास, आइए। ओहो, तो ये है वो जगह जहां पर लाखों दिलों पर राज करने का फॉर्मूला हर रोज बनता है। एनी सीक्रेट्स शेफ? नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो सीक्रेट्स एज सच। सीरियसली, नो सीक्रेट्स? आई मीन, इतना डिलीशियस खाना कैसे बन सकता है? एब्सोल्युटली, देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन। A recipe has no soul to it. It is just we chefs who bring soul to the recipe through our dedication and through our professionalism. So good said, nicely said, I would say. Kya taste hai? Wah, kya taste hai? Five star hotel ka naam aate hi dil mein kuch kuch hone lagta hai. Tasty, yummy food ki yaad aane lagti hai aur muh mein pani bhar jata hai. Well, dosto, I know hum sabko mostly yahi lagta hai कि टेस्टी और डिलिशियस खाना सिर्फ होटल्स में बन सकता है और घर पे नॉट पॉसिबल। वेल, हम सबकी ये परसेप्शन गलत है, क्यों? लेट्स फाइंड आउट। क्यों ना यहाँ से डायरेक्टली हम किचन में चले। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। वो कहते हैं ना, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है। कभी हम खाने को तो कभी हम फूड लवर्स को देखते हैं। घबराइए मत, ये कोई शायरी नहीं है, अजरे वो वाली शायरी नहीं है, ये मेरी बनाई हुई कुछ लाइंस है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो मुझे देख के भी पता चलता है, मुझे हर जगह सिर्फ खाना और खाना ही दिखता है। एनीवेज, मेरी बातें चलती रहेंगी, जल्दी से हम हमारे फूड कॉर्नर में बुला लेते हैं हमारे मास्टर शेफ देवेंद्र कुमार डीके को।
Chef, welcome to वाह क्या टेस्ट है. Thank you, श्रद्धा. I'm sure मैं मेरे व्यूअर्स सब आपसे जानना चाहते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं. आज की जो रेसिपी है वो है अंजीर के कोफ्ते. That's going to be really interesting. It's a dish from north. Okay. And it's a delicacy for vegetarian. क्योंकि आपने सुना होगा गोश्त के कोफ्ते नगसी या रिश्ता फ्रॉम कश्मीर. सो इट्स अ डेलिकेसी मेड ऑफ पनीर एंड स्टफ्ड विद अंजीर फॉर द वेजिटेरियंस. एब्सोल्युटली वाओ. और अंजीर के कोफ्ते ये आई एम श्योर बहुत डिलिशियस होने वाले हैं. तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे इंग्रेडिएंट से. राइट इसके दो पार्ट है. एक तो कोफ्ते के लिए ग्रेवी है और एक कोफ्ताज है. तो पहले मैं बनाऊंगा ग्रेवी जिसके लिए जी आइटम चाहिए या इंग्रेडिएंट चाहिए चॉप्ड फ्रेश टमाटर ग्रीन चिली काजू ऑयल चाहिए शाही जीरा जिंजर गार्लिक पेस्ट हल्दी पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला लाल मिर्ची पाउडर नमक कोरिएंडर लिटिल कोया एंड पिस्ता एंड ऑफ कोर्स क्रीम. दीज आर इंग्रेडिएंट्स फॉर दैट ग्रेवी. अब कोफ्ते के लिए इसके लिए हमें चाहिए ग्रेटेड बॉयल पोटैटो ग्रेटेड चीज नमक काली मिर्च हरा ताज़ा हरा धनिया कुतरा हुआ और कॉर्नफ्लावर एंड ऑफ कोर्स अंजीर. अंजीर जी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम जी के. देखो सबसे पहले बनाएंगे ग्रेवी जिसके लिए पहला है कि एक पेस्ट बनाने जा रहा हूँ. ओके जिसके और 150 ग्राम हमने टमाटर लिए फ्रेश चॉप टमाटर. तो ग्रीन चिलीज हमें कितनी डालनी चाहिए. दो या तीन वो अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है आप जितनी डालना चाहें. इफ यू वांट मोर स्पाइसर देन आई थिंक टू और थ्री इज मोर देन सफिशिएंट. कोई 25 ग्राम के करीब काजू. अब इस मिक्सचर को हम ब्लेंड इन ए फूड प्रोसेसर ब्लेंड करेंगे काइंड ऑफ पेस्ट. ओके You want my help? Yes, sure. बिल्कुल. जी. We'll transfer this to a bowl. इसका जो कलर है, वो कितना amazing दिख रहा है. क्योंकि आपने पूछा था टमेटो. Yeah. क्योंकि fresh टमेटो है, तो उसके बिल्कुल. तो यानी अगर आप लोग fresh tomatoes use करेंगे, तो इसका कलर कुछ लगभग ऐसा आएगा. बिल्कुल एक kind of light pinkish color. We'll make the gravy जिसके लिए हमने pan लिया, जिसको sauce pan बोलते हैं, या आप छोटी पतीली type भी ले सकते हैं. Okay, very nice. इट्स ए इंटरेस्टिंग रेसिपी दो लिटिल लेंथियर पर कहते हैं ना कि एक अच्छे खाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए. बिल्कुल राइट. इंतजार का फल मीठा होता है. बिल्कुल ठीक है. और अब क्या? यहाँ हमारे इंतजार का फल डिलिशियस होने वाला है. वी पुट सम ऑयल. वी विल टेक ए पैन. अब उसके अंदर हम डालने जा रहे हैं जीरा. अबाउट ए टीस्पून ऑफ जीरा. So as soon as it crackles, we add a teaspoon of ginger garlic paste. Wow. You can see the aroma, flavor, thodi haldi. Teaspoon of dhania powder. Dhania powder. And what we do is we have little garam masala. इसमें डालेंगे पेस्ट ने स्लो फायर रेडी टू फायर. फ्लेम पे बनाना चाहिए या हाई फ्लेम पे. स्लो इज ओके. स्लो इज फाइन. या इसमें स्वाद अनुसार यू कैन ऐड ग्रीन रेड चिली. मैं समझूंगा कि 1/4 ऑफ ए टीस्पून इज मोर देन सफिशिएंट. हल्का नमक. नमक विल बी एज पर टेस्ट. उसमें क्या करेंगे कि वाटर अबाउट ए कप ऑफ वाटर हल्का धनिया एक टीस्पून धनिया. इसको अब क्या करेंगे धीमी आंच पे ऑन स्लो फायर विल लेट इट सिमर. और ग्रेवी बनने के लिए हम छोड़ देंगे. राइट अब जस्ट जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है कोफ्ता. तो वाइल द ग्रेवी इज गेटिंग कुक्ड ऑन स्लो फायर धीमी आंच पे हम बनाएंगे कोफ्ते. एक ध्यान रखना है कि बीच में इन बिटवीन यू कीप स्टेयरिंग
the gravy so that it doesn't stick to the pan. कोफ्ते के लिए सबसे पहले ग्रेटेड पोटैटो, इसका जो रेशियो है जनरली 1:2 है. अगर सपोज पोटैटो 50 ग्राम है तो यू पुट 100 ग्राम्स. आई टेक अबाउट 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स. Meanwhile, you are doing this. I think I should stir it. You can. All right. We put grated potato, grated paneer. Bit of salt, yes. One third teaspoon of crushed black pepper, teaspoon of chopped green dhania, and this is corn flour. इसमें क्या है कि corn flour is for binding basically, so that it binds when इसको जब fry करोगे it shouldn't break. So I'll put about 2 teaspoon of that will be enough, corn right? flour. Yeah, I would also like to give a tip here कि अगर समझा कि potatoes वगैरह में कभी भी क्या होता है कि पानी ज़्यादा रह जाता है तो you can always add a spoon of breadcrumb. Okay. So again, as for binding. For binding. Right. Good. Okay. Keep stirring. Okay, I'll do that. That's okay. Now we'll mix these ingredients together. जिसको कहते हैं ना कि अच्छी तरह जैसे आप आटा गूंथते हैं. जी. Just mix it well so that all the ingredients. Okay, this our mixture is ready. इसको एक बारी ऑन ए फ्लैट सरफेस यू कैन स्लाइटली मैश इट वेल. ऑल द इंग्रेडिएंट्स शुड बी इक्वली वेल मिक्स्ड. नाउ अ काइंड ऑफ डो इज रेडी विच इज ऑफ पोटैटो, पनीर, ये होगी अंजीर. अब ये देखिए जो अंजीर है इसकी स्टफिंग करेंगे इसमें. ये अंजीर को हमने पहले सोक कर लिया हुआ है फॉर सम टाइम एंड देन चॉप्ड. I won't recommend that to use raw. I mean, as it is, you see. Okay. We divide this mixture into equal parts. Size के आप छोटा बड़ा कर सकते हैं. तो size जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है medium size. We take each, flatten it on. See. Flatten on our palm. Make a kind of hole cavity. Inside. Yeah. Just. About half a teaspoon anjeer, then we fold it up. Yeah. If you find the mixture is too tight, you can always take a little help of water. Shall I give them? Yeah. There you go, chef. We give it a kind of this shape. We stuff other pieces as well. Again, let me keep you busy. Come on. Okay, I'll try. Do that. Join me. I'll try that. अगर हम आप जैसे एक्सपर्ट से सीखेंगे तो आज नहीं तो कल जरूर सीख जाएंगे कैसे बनना है. Okay, okay. Just check whether the temperature is right. We'll put this kofta one by one. हल्का सा गोल्डन फ्राई कलर. इसको कितनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक? Well, I would say it shouldn't take about a minute or so. जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होते. गोल्डन ब्राउन बिल्कुल ठीक है. Right. Keep stirring, keep stirring. Yes. Okay, we take a kitchen paper. Remove the one which are kind of golden brown. So. These koftas are fried. Just see the color. Yes. Koftas are absolutely ready. जी. तो आप देख सकते हैं gravy. का color आ चुका है. See this, floating. इसको देखो. Just see that. जी. Right. At this stage, we will add now. इसमें एक हम खोया डाल रहे हैं. Right. कहते हैं ना कि जो मुगलाई dishes हैं,
थोड़ी रिच तो होती है, काजू पेस्ट वगैरह, तो इसमें भी हमने खोए का टच दिया है टू ऐड अ लिटिल स्वीटनेस एंड टू गिव इट अ बॉडी, राइट? सो आई हैव, इज इट ऑप्शनल? इट इज ऑप्शनल, यू कैन यू मे नॉट, जस्ट अ स्पून आर टू खोया. Make sure that you don't add excess of it. By adding excess, you'll make it more sweeter. Okay. Right. Gravy almost ready. Right. इसमें क्या है last में? Before I add cream. It's already so tasty. See, cream to give it a very Where smooth, velvety texture. We add cream. Yeah, we can. After adding khoya and cream, do not boil it. You can warm it up because if you cook it for at a high what you call fire, cream may curdle, the fat may come out. So I think we should on surface is better. We just keep it warm. Right, gravy is ready. So basically, cream add करने के बाद हमें सिम पे रखना है. सिम बिल्कुल warm पे रखना है. Koftas are ready already. Now we are doing dew plating. In my own philosophy and at the Meridian. Presentation is the key factor to any food. How you present. कहते हैं ना कि खाना देखने में अच्छा हो तो becomes very appetizing. बिल्कुल सही बात है. So हम इसकी plating करेंगे. Okay, we take these koftas. Slit them into two. See the grill, right? Yes. Okay. Cut them into two. Now you can see that in the kofta you can see the stuffing of anjeer, right? So we'll just keep two pieces. Yes. Now gravy is ready. We'll take a bowl, pour the gravy, place these koftas, all the four pieces. So this is the one way, and second is you can directly put this now, into the gravy. Here, what we got to do is a little touch of cream. We can give that. Put a little pistachio. What I made is chili oil, something different. What is this? This is chili oil which we just put that. Shraddha. Yes, DK. Lazeez kofte tayyar hai. Bilkul, anjeer ke lazeez kofte. I can't wait to have try it. Try kariye. Please try and. हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे ये बने और कैसे ये टेस्ट हुए. आई एम श्योर हमारे दर्शकों की मुंह में पानी आ रहा होगा अभी. मेरा मन कर रहा है मैं ये सारे खा जाऊं. सीरियसली डीके, इट इज सो डिलिशियस. बाहर से जितने क्रिस्पी थे, अंदर से उतना सॉफ्ट है, और जो अंजीर का फ्लेवर है, आई वुड से दैट्स एन एक्स फैक्टर. बहुत डिलीशियस बना है डीके. इसलिए तो इसका नाम रखा है लजीज कोफ्ते, राइट? दिस इज वेरी डिलीशियस. वैसे डीके, मैंने सुना है कि आपके होटल में परोसने की भी एक अपनी ही अदा है. देखो, जितना इम्पोर्टेंट है खाना बनाना, अच्छा खाना बनाना, उतना ही परोसना भी एक अहमियत रखता है. तो मैं समझता हूँ कि हर खाने को परोसने की भी एक अदा होनी चाहिए. तो क्यों ना हम आप लोगों की परोसने की अदा भी देखें. चले टेबल पे. एब्सोल्युटली. तो चलिए फिर चलते हैं टेबल पे. श्योर. वाह, क्या टेस्ट है. तो जब तक मैं जाती हूँ टेबल की ओर, आप लोग लीजिए इसका क्विक रिकैप. वाह, क्या टेस्ट है. अंजीर के कोफ्ते ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम टमाटर, हरी मिर्ची और काजू का स्मूथ पेस्ट बनाएंगे. फिर एक पैन में थोड़ा ऑयल डालकर उसमें जीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला डालकर उसे थोड़ी देर के लिए भूने. उसमें टमाटर, मिर्च और काजू का बना हुआ पेस्ट डाल दे. उसे तब तक पकाएं जब तक ग्रेवी ऑयल ना छोड़ दे. दूसरी तरफ एक मिक्सिंग बाउल में ग्रेटेड बॉइल्ड पोटैटो, पनीर, थोड़ा कॉर्नफ्लोर, ब्लैक पेपर, हरा कटा धनिया डाल दे और उसमें नमक डाल दे स्वाद अनुसार. अब उस मिक्सचर को अच्छे से मिलाएं. उस मिक्सचर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें अंजीर स्टफ करें और उसे मनचाही शेप दे दें. अब एक पैन में तेल गरम करें और कोफ्ते फ्राई करें. कोफ्ते फ्राई हो जाने के बाद ग्रेवी में खोया और क्रीम डाल दें.
एक सर्विंग बोल में ग्रेवी डालकर उस पे कोफ्ते रखकर उसे क्रीम, पिस्ताशियो, चिली ऑयल डालकर गार्निश करें। आपके अंजीर के कोफ्ते तैयार हैं। वाह, क्या टेस्ट है। So, दोस्तों, फाइनली हम बैठे हैं ली मेरिडियन के रेस्टोरेंट एरिया में, जहां पे अब हमें सर्व होने जा रहे हैं डी के सर के बनाए गए अंजीर के कोफ्ते। आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड एंड मैंने अपने इनपुट्स आपको दिए थे। प्लीज थैंक यू सो वेरी मच। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोफ्ते बहुत बार खाए हैं, लेकिन अंजीर के कोफ्ते मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं एंड इट इज सो डिलिशियस। मेरे को बहुत भूख लग रही है डी के, एंड आई कांट रियली वेट। तो मैं चाहती हूँ आप जल्दी से सर्व करें और हम ये जल्दी से खाएं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, प्लीज जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी वेरी हंग्री नाउ। अंजीर हैज बिकम माय फेवरेट, आई वुड से। यू एक्चुअली कैन फील द फ्लेवर ऑफ अंजीर विद द ग्रेवी, इट्स रियली टेम्प्टिंग। गाइज, मैं जब तक ये सारा जितना भी बाउल में बचा हुआ है खत्म करती हूँ, आप लोग जाइए हमारी सेकंड सेगमेंट देखिए, ग्रैंड माज रेसिपी विद शेफ अनुज। वाह, क्या टेस्ट है। हल्की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। Welcome to the second segment of our show, Grandma's Recipes. What we are going to do in this segment is, we are going to recreate certain lost recipes, जो आज की पिज्जा, पास्ता और बर्गर की दुनिया में कहीं खो गई हैं। ऐसे ही कुछ रेसिपीज के बारे में बात करेंगे हम आगे भी, बट आज शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी से, जिसका नाम है मिर्ची वड़ा। पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसकी फिलिंग से, जो है मैश्ड पोटैटो। आलू को उबाल के उसे मैश कर लीजिए। ध्यान रखिए सिर्फ कि ज़्यादा ना उबालें इसको, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा होगा तो उसका स्टफिंग के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। अब मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा हींग का पानी। दादी माँ के खाने में स्वाद तो होता ही होता था, साथ में वो हेल्थ का बड़ा ध्यान रखती थी, जो हमें उस समय समझ नहीं आता था। सौंफ और थोड़ी चॉप्ड ग्रीन चिली। हर चीज़ का, हर इंग्रेडिएंट की मात्रा ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट वी हैव टू यूज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट इन अ पर्टिकुलर रेसिपी। सो ये मिर्ची बड़े का बैटर तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह मैश करिए, ताकि उसको भरते समय दिक्कत ना हो और मिर्ची फटे ना। क्यों दादी, सही कहा। एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है, खास दादी माँ के खाना बनाते हुए, इसके अंदर गलती की गुंजाइश बहुत कम है। इसे साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, और मिर्ची को रेडी करते हैं। मिर्ची को स्लिट करेंगे बीच में से। सो मिर्ची तैयार है, मिक्सर तैयार है, अब इसको भरते हैं। इसको ज़्यादा ना भरें, ये ध्यान रखें, क्योंकि फ्राई करते हुए ये बाहर निकलेगा और जो मज़ा इसके साथ आएगा, वो अगर वो बाहर निकल गया तो यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इट। ये जो चिली होती है, ये स्पेशल चिली होता है, ये उतना तीखा नहीं होता जितना हम नॉर्मल वो छोटे वाला चिली खाते हैं, इसको बनाना चिली भी कहते हैं। ये हमारी चिलीज भर गई और हम इन्हें रखते हैं साइड में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। इन द मीनवाइल हम लोग इसका बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर ये कोट करके हम फ्राई करेंगे। इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा बेसन और थोड़ा नमक। नमक स्वाद अनुसार डालिए, पहले थोड़ा कम डालिए, अगर कम होगा तो हम इसको बाद में बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर एक बार ज़्यादा हो गया तो कम करना बहुत मुश्किल है। अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लीजिए। हम तो ये अभी भी विस्क से कर रहे हैं, लेकिन दादी माँ का आज तक हाथ से करा हुआ बैटर भी कभी उसके अंदर लंप नहीं आया। सिर्फ इतना सा समय लगता था दादी माँ को ये बनाने में, जितना हमें बाहर वाले गेट से अंदर घुसने तक, मुँह हाथ धोने तक लगता था। ये बैटर रेडी है, इसका कंसिस्टेंसी इस तरीके का रहेगा कुछ। दादी, अगर आप बोलें तो अब हम कोट करके फ्राई कर दें।
ये किया बैटर में कोट, जो एक्सेसिव बैटर है वो निकाल लीजिए, ये इसके अंदर ऐसा कुछ चीज़ नहीं है ज़्यादा जो कुक होने वाला हो। ग्रीन चिलीज इट विल नॉट टेक मच टाइम टू कुक, आलू ऑलरेडी कुक्ड है, सो वंस इट गेट्स द डिज़ायर्ड कलर हम इसको निकाल लेंगे। बाकी दादी बहुत ध्यान से मेरे को देख रही हैं कि मैं सही रेसिपी फॉलो करी है या नहीं करी, वो तो मुझे बाद में ही बताएंगी। ऑलमोस्ट देयर, ध्यान रखिएगा ये ज़्यादा पके ना, क्योंकि अगर मिर्ची एक बार ज़्यादा पकी तो बहुत ही कड़वा फ्लेवर देती है आखिरी में, और ये मिर्ची इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती, हल्की सी स्वीट होती है, सो परफेक्ट फॉर पकौड़ाज। और अगर मानसून हो चाय के साथ तो क्या बात है। अब मिर्ची वड़ा आप अलग अलग चटनियों के साथ सर्व कर सकते हैं। राजस्थान में इसको मीठी सौंठ के साथ सर्व करा जाता है, कहीं आप इसे टमेटो केचप के साथ खा सकते हैं, पुदीने और धनिए की चटनी के साथ खा सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे। तो ये हमारी मिर्ची तैयार है, नाइस क्रिस्प और गोल्डन। इसे और ना पकाते हुए हम निकालेंगे और ब्लॉटिंग पेपर पर एक्स्ट्रा ऑयल सोक करवा देंगे। सो हमारी मिर्ची रेडी है, हमारी चटनी रेडी है, तो आइए अब इसे प्रेजेंट करते हैं कुछ अलग अंदाज में। ये हमारा मिर्ची वड़ा रेडी है। माफ़ कीजिएगा, आप लोगों को दिखाने से पहले मैं दादी से पूछना चाहूँगा क्या हमने सही रेसिपी फॉलो करी भी है या नहीं। जी हाँ, दादी कह रही हैं सही है। तो ये रहा मिर्ची वड़ा पुदीने और धनिया की चटनी के साथ। मिर्ची वड़ा फिलिंग बनाने के लिए एक बोल में ग्रेट करे हुए उबले आलू, लाल मिर्च, चाट मसाला, धनिया पाउडर, हींग, सौंफ, हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। फिलिंग तैयार होने के बाद मिर्च में कट लगाकर बनाई गई फिलिंग से भर दीजिए। अब बैटर बनाने के लिए एक बोल में लीजिए बेसन, नमक और पानी, इसे अच्छे से मिलाइए। अब पैन में ऑयल गरम करने के बाद मिर्च को बैटर में डुबाएं और उसे फ्राई कर दीजिए। मिर्ची वड़ा तैयार होने के बाद उसे चटनी या केचप के साथ सर्व करें। वाह, क्या टेस्ट है। तो ये तो अभी शुरुआत है। वी गोइंग टू मेक यू अ परफेक्ट कुक सून इनफ। और अगर आपके पास आपकी दादी माँ या नानी माँ की कोई स्पेशल रेसिपीज है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है wahkyatasthai@gmail.com। अगर हमारी दादी माँ को आई आपकी रेसिपी पसंद तो हम उसे जरूर इंक्लूड करेंगे अपने शो में। टिल देन यू कीप वॉचिंग डीडी नेशनल, वील बी बैक विद द नेक्स्ट ग्रेट रेसिपी। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।